सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का डेट है 31 दिसंबर, यानी कि साल का लास्ट डे। और इसी वजह से आप लोग तो जानते हो कि साल के लास्ट डे यानी कि 31 को कुछ बढ़िया सा बनता है, चिकन विकन। तो वही आज मैं बना रहा हूँ, मुर्ग मुसल्लम। और साथ ही साथ एक ही चिकन नहीं बन रहा है, दूसरा चिकन भी बन रहा है, यानी कि मम्मी बना रही है चिकन करी अपने हाथ का। ठीक है, तो दोनों चिकन इसलिए बन रहा है बिकॉज जिसको जो खाना होगा वो खाएगा, और दोनों ही मतलब रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यही बात है, इसी वजह से दोनों बन रहा है। आप लोगों को चलो दोनों की रेसिपी अभी देख लो, फिर उसके बाद रेसिपी देख के आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो गाइज, आपको दिखाते हैं दोनों चिकन कैसे बन रहा है। मोटी मोटी सी रेसिपी दूंगा आप लोगों को। मैंने कई बार बताया है कुकिंग ईटिंग वाली सीरीज़ में कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल रेसिपीज़ नहीं देता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगा क्या क्या डाल रहा हूँ और बस यही सब। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर चिकन था, 1 किलो चिकन को यहाँ पर मैरिनेट कर दिया है। सारे मसाले होते हैं जो भी, लाइक गर्म मसाला, चाट मसाला, चिकन मसाला, एंड थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी था, दही भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और धनिया, जीरा, काली मिर्च, ये सभी का जो भी घर पे मसाले होते हैं पाउडर। ठीक है, तो ये हो गया मैरिनेटेड चिकन। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने 2 एग को, जो रॉ एग होता है, उसको तोड़ के यहाँ पे अंदर वाला सारा डाला। ठीक है, तो एग का भी है इसमें, इसीलिए आप लोग को ये एग का दिख रहा होगा, वाइटिश वाइटिश वाला पोर्शन। और देखो गाइज, ये है 1 किलो चिकन फॉर मम्मी वाला जो बन रहा है अलग से, वो चिकन करी के लिए। तो ये चिकन करी के लिए ये चिकन रखा है। फिर ये पापा के लिए जो भी कलेजी होता है, कलेजी क्योंकि फ्राइड आइटम है तो वो कलेजी यहाँ पे रखा है पापा के लिए, तो ये पापा खाएंगे। देखो आप लोग, इसको मैंने कई बार दिखाया है। और देखो मम्मी वाला यहाँ पे चिकन करी बन रहा है इस साइड। ये देखो प्याज मम्मी ने डाला है, लहसुन एंड तेल। ये सेम टू सेम मुझे लगता है मम्मी मटन करी की तरह बना रही हैं। वो आप लोग बस कुकर में वो बनता है, ये भगोने में बन रहा है। तो वो आपको अगर मटन करी वाली रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो। ये देखो, ये भी आपको दिखाएंगे, आपको दोनों चिकन अच्छे से दिखाते हैं, मतलब जितना मेरे से हो सकेगा। ठीक है, और इस तीसरी साइड यानी कि किचन में नाना के लिए अलग से जो वेज खाना बन रहा है यहाँ पे, चोखा, ये है फ्राइड चोखा, देख सकते हो। ये दीदी भूज रही है, दीदी फ्राई कर रही है, देख सकते हो दीदी को यहाँ पे। दीदी ये किचन में है, मैं मुर्ग मसल्लम बना रहा हूँ और मम्मी बना रही है चिकन करी। तो सब तीनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये दूध भी उबल रहा है यहाँ पे, देखो ये सब। और ये देखो गाइस सैलेड, ये कितना सारा सैलेड, ये सब खीरा, टमाटर, बीट रूट एंड एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ रखा हुआ है। ये देखो, और इस साइड ये शिमला मिर्च मेरे को डालने के लिए, कसूरी मेथी, और सब प्रिपरेशन हो रखी है। ये देखो सब प्रिपरेशन, ये मेरे ग्रेवी के लिए इसके नीचे है सब दही, और ये एज यूजल आधा कटोरा चाय पिएगी। और ये देखो गाइस, थोड़ा सा मैं कलेजी आप लोग को दिखा देता हूँ तोड़ के, ये देखो। तो ये देखो गाइस, अब प्याज व्याज सब ऐड करने के बाद यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और क्या क्या था, मिर्ची, मसाले, गरम मसाले और सारे जो सूखे मसाले होते हैं। और उसके बाद डाल दिया ये चिकन, और अब ये देखो ये फ्राई होगा, है ना। उसके बाद पानी डाल के ख़त्म, बन जाएगा। कितना ईजी था, मेरे चिकन तो कितना हार्ड। और इसमें धनिया वनिया कुछ नहीं, बस बन गया। अच्छा, बस पानी डाल देंगे, बन जाएगा। तो गाइज, मम्मी का तो चिकन एकदम फट से बन गया और एकदम आसान था। आप लोगों ने देखा, झट झट बस प्याज लहसुन और टमाटर भी नहीं, और ज़्यादा वो घी वो इन सब का झंझट भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा आइटम्स नहीं, और दिखने में एकदम अच्छा। अब चलो, मेरे वाले में बहुत सारे आइटम हैं, देख लो। ये है रिफाइंड ऑयल प्लस घी का मिक्सचर, और सरसों का भी तेल मैंने मैरिनेशन में डाला था। फिर उसके बाद ये सारे दही और अदरक लहसुन मसालों का पेस्ट। ये हो गया हमारा काजू, बादाम, गरम मसाले, प्याज, भुना हुआ प्याज, ठीक है, उसका पेस्ट, और टमाटर, ये सब इसी में मिक्स है, शिमला मिर्च, और कई सारे मैं आइटम्स भूल रहा हूँ बिकॉज उतना याद नहीं रहता है। और यहाँ मटर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, और धनिया भी है, जितनी भी चीज़ें हैं मेरी ही रेसिपी है ये, ठीक है ना। मैंने सिर्फ YouTube पे बहुत सारे मतलब चैनल देखे थे मुर्ग मसल्लम कैसे बनता है, और सबको कंक्लूड करके मैंने अपनी रेसिपी इन्वेंट कर ली। और ये देखो मैं बना रहा हूँ, देखो
अब सब कुछ अच्छे से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस इतना क्या क्या डाल रहा हूँ ये सब दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो कितना ज्यादा मम्मी का चिकन करी मस्त लग रहा है, और ये एक लहसुन मेरे लिए मैं मम्मी में से खाऊंगा, मम्मी दोगी ना ये देखो चिकन करी कितना मस्त। अब चलो अपना वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ अब मैंने दिखा दिया, हाँ देखो अब मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं दिखाने वाला, सिर्फ बनते हुए थोड़ा सा दिखा दूंगा। हाँ हाँ पक गया है, हाँ हाँ थोड़ा सा देख लो एक पीस और लास्ट में फिर मैं आप लोगों को दोनों चिकन साथ में दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मम्मी का चिकन यार इतना टेस्टी है, मैंने अभी अभी एक पीस लेके खा लिया बड़ा अच्छा लग रहा था मसालेदार, और मैंने खाया आप जानते हो इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, मतलब मम्मी का चिकन अभी तो जीत गया है। अब देखो मेरा चिकन कैसा बनता है, अब चलो बनाते हैं। सोचो इतने से इंग्रेडिएंट से, मतलब मुश्किल से ज़्यादा 5 से 6 इंग्रेडिएंट से इतना अच्छा चिकन करी बना है एकदम मस्त, और वो भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में। और वहाँ मेरा देखो मेरे वाले में इतने सारे प्रिपरेशन लगे, अब 1 घंटे बनने में लगेगा अब चलो अब दोनों चिकन साथ में जब खाएंगे तब आपको बताएंगे कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। वैसे अभी के लिए जो मैंने ट्राई किया चिकन करी मम्मी वाला बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये देखो चिकन फ्राई, अरे भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई ना बाद में आपको दिखाएंगे अच्छे से। ये देखो चिकन फ्राई हो रहा है, अरे देखो ये देखो गाइज मेरा फ्राइड वाला जो चिकन था इसमें एग की वजह से ऊपर आपको एग की कोटिंग दिख रही होगी, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये तैयार हो गया कितना मस्त बन गया है। और अब इसमें जो इसका बच्चा वाला मैरिनेशन था वो सारे मसालों के साथ इसी के अंदर भुन रहा है अभी, और जब मिला दूंगा मैं अब दोनों को फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखो यहाँ पर मम्मी ने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, इतनी सारी बना भी दी, और उधर चावल भी बन गया है। और ये देखो सलाद का प्लेटर जो कि मैंने यहाँ पे कट किया, ये देखो सलाद सलाद जो भी कह लो, ये देखो ओनियन प्याज, ये बीट रूट, चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, ये धनिया के पत्ते थोड़े से ऊपर से, और नींबू और मिर्ची, ये देखो। तो गाइस फाइनली मेरा भी चिकन बन के तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मम्मी और दीदी खाने बैठ चुकी हैं। तो ये देखो मम्मी खा रही है और यहाँ दीदी तो चावल भी खाने लगी, रोटीज का ख़त्म भी हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया। और इन लोग को मैंने जो बना के इन लोग को थोड़ा थोड़ा दिया बिकॉज इन लोग को ज़्यादा नहीं पसंद वो। तो कैसा लग रहा है ये वाला चिकन, पहले अपना वाला बताओ। अच्छा लग रहा है बाबू। अच्छा, और मेरा वाला? बहुत अच्छा। मेरा वाला अच्छा बना है कि झूठ बोल रही हो बस? बहुत अच्छा। और तुम कैसा है? क्या बोलूं मैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? मतलब दोनों अच्छे हैं ना बाबू, मम्मी वाला थोड़ा स्पाइसी हो गया है हाँ। और तुम्हारा वाला घी डालने की वजह से हाँ। स्पाइसी नहीं है बट अच्छा है दोनों ही। अच्छा, यानी इन शॉर्ट दोनों ही चिकन बहुत अच्छे बने हैं हाँ। चलो अब मैं खाऊंगा तो फिर आपको दिखाते हैं। मम्मी मेरा वाला ग्रेवी ले लेना। अच्छा। देखो गाइस ये मेरा वाला चिकन यानी कि मुर्ग मुसल्लम, ये देखो एक बार मैंने पहले मुर्ग मुसल्लम बनाया था बट वो मुर्ग मसाला था, मतलब उसमें मशरूम पनीर काजू ये सब था। वो अगर आपको देखना है तो वो चैनल पे है जाके देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बना था। बट उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है क्योंकि वो पूरा ब्लैक हो गया था, इसका कलर भी अच्छा है और जैसा मम्मी कह रही है कि टेस्टी भी है। ये देखो चलो खाते टाइम दोनों चिकन दिखाते हैं आपको, वैसे दोनों बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं। देखो ये दोनों लोग यहाँ खा रहे हैं। तो ये देखो गाइस अब चमक छलवा चुकी हैं ठंडी में टोपा पहन के अब खाने जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग एक आपसे बात बतानी थी कि हम लोग को छम्मक छलो कहने की ना बचपन से ही आदत है, लेकिन इनका नाम छम्मक छलो नहीं है, इनका असली नाम क्या है बताओ तो? सवित्री। अच्छा, और वही है लेकिन हम लोग बचपन से छम्मक छलो कहते हैं, प्यार से मतलब सबको ही बुलाता है, और ये हमारे एकदम फैमिली मेंबर जैसी हैं। तो यही है, तो अब खाने जा रही हैं। और हम लोग पेपर वाले प्लेट में क्यों खाते हैं वो मैंने कई बार बता दिया है, बट एक बार और बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसी वजह से किचन में ना तो चिकन विकन ये सब जाता है, इसीलिए अलग से सिलेंडर पे बनता है सारा बर्तन, नॉनवेज वाला एकदम अलग है उसी में बनता है, और हम लोग पेपर वाले प्लेट में खाते हैं ताकि वो फिर फेंका जाता है। सिर्फ मैं ही एक वो वाले प्लेट में खाता हूँ वीडियो के लिए, तो वो वाला प्लेट भी नॉनवेज वाला ही है, तो इसीलिए हम लोग लाइक उस पेपर वाले प्लेट में खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो चम्मक छलो, चलो खा के बताओ कैसा है।
आने दो तुम्हारे लिए हड्डी वाला पीस रखा हूँ, कह रही थी ना। चलो दोनों चिकन खाओ और बताओ कौन सा अच्छा है ज्यादा। दोनों ही अच्छा बना है वैसे तो। चमक चलो बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो त्योहार वाला बना तो बहुत है। सही बोलो झूठ सही बोलता नहीं बहुत अच्छा बना था। मम्मी वाला ठीक है बना था। चमक चलो का मम्मी वाला ठीक है बना था। अच्छा ताकि त्योहार का टेस्ट बना था। अच्छा मतलब कौन सा वो है। तो ये देखो गाइस अभी मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और अब चलते हैं चिकन, दोनों ही चिकन ट्राई करते हैं, खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं रोटी चावल के साथ और साथ ही साथ सैलेड। चलो अच्छा मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि मुर्ग मुसल्लम नाम है इसका, बट मैंने मुसल्लम चिकन वो जो शायद उसको मुसल्लम ही चिकन कहते हैं, वो जो फुल चिकन होता है ना, सब कोई फुल चिकन को कहता है मुर्ग मुसल्लम, बट हमारे यहाँ लाइक वो पॉसिबल नहीं है फुल चिकन बनाना। एक तो दुकान पे उतना ज़्यादा लाइक मिलेगा नहीं और लाइक अच्छा भी नहीं लगता है वो यार, दिखने में थोड़ा अजीब लगता है और घर पे वो मम्मी बनाने नहीं देंगी। और फिर से दूसरी चीज़ ये कि उसको पलटने में और ग्रेवी वेवी करने में वो बहुत मतलब मुश्किल होती है, इसी वजह से मुर्ग मुसल्लम में फुल चिकन का यूज़ नहीं किया, पीसेस वाले ही चिकन का यूज़ किया, बाकी सब रेसिपी सेम थी। आप लोग चाहो तो फुल चिकन से भी बना सकते हो, बाकी रेसिपी आप लोग देख रहे हो। और हाँ मैंने उतनी अच्छे से रेसिपी नहीं दिखाई आप लोगों ने देखा ना, मम्मी वाले की ना मेरी, बिकॉज साथ साथ मैं वो नहीं रहूँ यार, रेसिपी वाला कुकिंग चैनल नहीं है ब्लॉगिंग चैनल है, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं ये बात। चलो बस यही बताना था आप लोग को। यहाँ पे चमक चलो अभी तक खा ही रही हैं, अब हम लोग खाते हैं। चलो ये देखो गाइस दोनों चिकन कितने गजब लग रहे हैं ना। चलो थोड़ा सा ये आप लोग को चला के दिखा देते हैं, ये देखो लग रहा है ना मस्त। एक सेकंड ये देखो गाइस मम्मी थोड़ा चुप रहो। ये देखो गाइस कितना ऑसम और ये अमेजिंग। ये देखो मम्मी वाला चिकन, ये भी कितना गजब लग रहा है ना। ये देखो ये हो गया और ये मेरा लहसुन और ये हो गया मेरा वाला चिकन। देखो गाइस अभी प्लेट में आ चुका है चिकन दोनों ही, ये देखो ये वाला और ये चिकन करी। चिकन करी यहाँ पे लहसुन एकदम मस्त वाला देसी स्टाइल एंड मुर्ग मसल्लम विदाउट फुल चिकन। देखो ये देखो गाइस प्लेट सज चुका है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। चिकन करी ऊपर नींबू और मिर्ची, ये मुर्ग मसल्लम, ये देखो रोटियां यहाँ पे, ये सब देख सकते हो सैलेड। एक एक सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लिया, ऑफकोर्स खाएंगे भी। चलो स्टार्ट करते हैं खाना, ये देखो रोटी तोड़ते हैं, ये लेते हैं चिकन का लेग पीस, ये देखो वाव कितना मस्त गल गया। ये देखो गाइस एक सेकंड दूसरा वाला इधर से दिखाते हैं आपको, दूसरा पीस भी दिखा देते हैं एक बार तोड़ के। ये देखो लेग पीस ही नहीं ये पीस भी गल गया, ये देखो कितना मस्त। अब लगाते हैं थोड़ा सा शिमला मिर्ची और मटर भी डाला है, ये देखो मटर, धनिया और थोड़ी सी ग्रेवी। ये देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अभी आपको खाते हुए रिएक्शन दिखाते हैं, ये देखो नींबू का रस, ये भी थोड़ा लगा लेते हैं और दूसरा वाला चिकन दिखा देते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट्स का भी काम होता रहे। ये देखो लहसुन ये देखो लहसुन गाइस, घर पे कोई आया है उन्हीं का आवाज़ आ रहा है, वो आगे वाले रूम में गेस्ट रूम में कोई आके बैठा है, मम्मी और दीदी उन्हीं से बात कर रही हैं इसी वजह से आवाज़ आ रहा है। ये देखो ये पीस भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अरे वाह मम्मी वाला चिकन देखो गाइस, ये भी बहुत अच्छा लग गया है। ये देखो एक और पीस आपको दिखाएंगे अभी तोड़ के, पहले ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखो गाइस इसमें भी नींबू है, नींबू इसमें डूब गया। ये देखो वाव
देखो नींबू, ये देखो कितना गजबज हो गया यहाँ पे वीडियो बनाने की वजह से। ये देखो सैलेड, वाह ये मम्मी वाला था। मम्मी वाले चिकन, अरे कितनी स्पाइसी ग्रेवी, चटपटी देसी चिकन एकदम लहसुन की वजह से और अच्छा फ्लेवर आ रहा है। देखो पीस, देखो वाह कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है यार। ये देखो, चलो अपना वाला चिकन ट्राई करते हैं। अरे मेरा वाला चिकन रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है सच्ची में। चमक चलो मम्मी दीदी, यानी कि ये लोग सही बोल रहे थे, मेरा वाला चिकन सही में बहुत ज्यादा अच्छा बना है। ऑफ कोर्स मम्मी का बहुत बेस्ट है, बट मेरा वाला चिकन भी कम नहीं है, मेरा वाला चिकन और ज्यादा अच्छा बना है यार। वाओ यम्मी। अब चलो खाते हैं, चावल लेके आपको दिखाते हैं, बहुत टेस्टी है। देखो गाइस बहुत ज्यादा यम्मी है ये भी, और ये भी दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका फ्लेवर बिल्कुल देसी है, स्पाइसी है, चटपटा है, बिल्कुल अलग है, और इसका फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल है और थोड़ा सा लाइक कम मीडियम वाला स्पाइसीनेस है इसके अंदर, और थोड़ी जैसी रेस्टोरेंट की ग्रेवी नहीं होती वैसी लग रही है। ये थोड़ी सी पतली ग्रेवी है, ये थिक ग्रेवी है, और सैलेड ये तो सबका फेवरेट है। चलो ये भी खाते हैं। ठंडी का दिन है तो इसलिए ये चुकंदर भी मिल रहा है। वाह ये मेरा फेवरेट है सैलेड में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो ये सब अभी खाते हैं और चावल लेके आपको दिखाएंगे फिर से। देखो गाइस चावल भी प्लेट में आ गया है, चलो चावल भी थोड़ा सा खा लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं चावल के साथ। ये देखो मम्मी वाले चिकन का पीस, देखो कितना ज्यादा मस्त है। देखो गाइस बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है गाइस दिखने में। अभी तक लहसुन है ये वाला, और यहाँ पे ये अपना वाला चिकन भी थोड़ा सा लगाते हैं। ये देखो ये मेरे वाले चिकन का पीस, ये देखो ये लोग इतना हल्ला करते हैं ना कि क्या कहा जाए, अलग अलग बातें हैं। ये देखो वाओ गाइस चावल के साथ भी बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है, दोनों ही चिकन बहुत अच्छे हैं। अभी चलो मैं आपसे खा के मिलता हूँ, बहुत मजा आया खा के। देखो गाइस बहुत गजर बजर हो गया यार, अब इस पूरे प्लेट को साफ करते हैं, कटोरी प्लेट। चलो खाना मैं कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करता, नो वेस्टेज ऑफ फूड। ये देखो चलो खाते हैं। तो गाइज अभी मैंने खा लिया और खा के मैं सो गया हूँ बेड पे, बिकॉज एकदम खा के हैवी हैवी सा नहीं फील होने लगता है, एकदम स्लीपी स्लीपी, और ऊपर से एक तो ओवर ईटिंग में कर लेता हूँ, और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया, और ये रजाई अब मैं उड़ने वाला हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी बढ़ गई यार अचानक से, एकदम फॉग हो गया है हर जगह, मतलब क्या ही कहे। तो इसी वजह से ठंडी बहुत पड़ रही है, इसीलिए रजाई भी ओढ़ूंगा। यहाँ पे बगल में मैंने ये गर्म वाला हीटर चला के रखा है, थोड़ा सा थोड़ा रूम गर्म हो जाए। तो यही है, बस यही सब दिखाना था आपको। अच्छा गाइज मेन इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बता दूं कि कल 1 जनवरी है जैसा कि आप लोग जानते हो, तो कल मैं व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए आपको मैं अभी ही एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बोल रहा हूँ, बिकॉज कल व्लॉग करने लायक कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं, बिकॉज सिंपल सा रूटीन रहेगा। एक्स्ट्रा में ये रहेगा कि हम लोग सुबह उठ के पूजा करेंगे, और सभी लोग लाइक नहा के, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि
अच्छा अच्छा थोड़ा सा वेज खाना मम्मी बनाएंगी, पूरी कचौड़ी सब्जी खीर यही सब, तो वो आप लोगों को क्या ही ब्लॉग में दिखाना, वो मैं शॉर्ट्स में जब डालूंगा ना तो वो आप लोग शॉर्ट्स में देख लेना, फूड शॉर्ट्स, और कम्युनिटी पे भी पोस्ट डालूंगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम लोग 1 जनवरी को ना लाइक न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पिछले कुछ साल से ही ऐसा हो रहा है, बिकॉज 2017 तक, 2000 मतलब 2017 तक हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे, मतलब जब हम सभी फैमिली थे, अभी बड़ी वाली दीदी की शादी नहीं हुई थी तब की बात है ये, हम सभी लोग लाइक जुटते थे और जुट के फिर ऊपर हॉल में एकदम मस्त वाली पार्टी किया करते थे, नाच गाना और लाइक इतना सारा खाने ऑर्डर करना बाहर से, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम सभी भाई बहन बिखर चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हम लोग बड़े भी हो गए हैं और उतना लाइक अब मन भी नहीं करता है ना, वो बहुत बड़ी ये बात है। तो इसी वजह से इन शॉर्ट न्यू ईयर हम लोग यहाँ अब सेलिब्रेट नहीं होता है, इस वजह से मैं उतना कुछ नहीं दिखा रहा बस। और जानते हो पहले क्रिसमस भी हमारे यहाँ होता था, तो क्रिसमस मतलब होता नहीं था, लाइक क्रिसमस के दिन क्या करता था ना मैं कि रात को जैसे सब बच्चे एक डब्बा टाइप्स में रख देता था और उस डब्बा रख देता था कि सेंटा आएंगे और सेंटा लाइक सबको चिप्स विप्स भर देंगे। और जानते हो मम्मी और पापा ये दोनों लोग मिलके बहुत सारा पैसा रख देते थे, इतना इतना मम्मी चिप्स और चॉकलेट मंगा के रख देती थी जब मैं छोटा था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और मैं जब सुबह उठता था तो इतना खुश होता था, ये सेंटा ने ये रख दिया वो रख दिया, उस टाइम बच्चे को क्या ही मतलब। बट बाद में धीरे धीरे जब ग्रोथ हुई तो पता चला अरे ये तो मम्मी पापा यही लोग रखते हैं पैसा और चिप्स ये सब कुरकुरे और चॉकलेट, इसीलिए तब से मैंने अब नहीं रखा, अब तक छोड़ दिया वो सब। तो यही सब था बस। अब आपसे मैं व्लॉगिंग अब कुछ दिन तक तो नहीं करूँगा, अब सीधे व्लॉग करते हैं। देखो फ्यूचर में आई थिंक अब जनवरी के महीने में तो कुछ भी नहीं है, मकर संक्रांति में भी कुछ मैं व्लॉग करता नहीं हूँ, मकर संक्रांति में भी वो दही चिवड़ा खाया जाता है ना, तो दही चिवड़ा मैं दिखा दूंगा शॉर्ट्स में ही। और बाकी पतंग उतंग तो हम लोग, मेरे को तो पतंग उड़ाने आते ही नहीं है, तो छोड़ो वो उसकी क्या ही बात करें। और उसके बाद क्या है, उसके बाद लाइक कुछ नहीं है ऐसा, अगर हुआ तो जनवरी के महीने में जो भी हुआ मैं व्लॉग बना दूंगा, सिंपल से पढ़ाई वाले व्लॉग भी देख ही रहे हो, लोगों को पता नहीं क्यों इतने पसंद आ रहे हैं ICSE 10th के वीडियोस, तो हो सकता है कि मैं वो भी बना सकता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर कुछ होगा दिखाने लायक तो, नहीं तो अब डायरेक्ट छोटी वाली दीदी की शादी के सारे ब्लॉग्स, यानी कि 1 फरवरी या फिर 1 फरवरी से 5-6 दिन पहले जनवरी के लास्ट महीने तक सब कुछ एकदम हलचल स्टार्ट हो जाएगी, घर में बहुत सारी प्रिपरेशन वाले सामान अभी से ही खरीदवाने स्टार्ट हो चुके हैं और उस टाइम तक तो सब कुछ भर जाएगा। तो मैं प्रिपरेशन ब्लॉग उसी टाइम से स्टार्ट करूँगा, बहुत सारे जैसा मैंने बोला है 50-60 ब्लॉग्स बनाऊँगा। बस बहुत बोल लिया, बाय। तो बस गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं ब्लॉग्स या शॉर्ट्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, साथ ही साथ कम्युनिटी भी आपको दिख जाएगा पोस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखो कब बनाता हूँ, बस।